नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ में। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। पैरालंपिक में भारत को 27वां पदक दिलाने वाले होकाटो होतोजो सेवा ने F57 श्रेणी में कांस्य पदक जीतकर बड़ा पराक्रम दिखाया। 2002 के विस्फोट में बाएं पैर को गंवाने के बावजूद सेवा ने शॉटपुट में 14.65 मीटर का थ्रो कर अपनी क्षमता साबित की, जिसके बाद PM ने उन्हें बधाई दी। बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदुवादी लीडर और कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने NRC की जरूरत पर जोर देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि NRC देश के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी स्पीकरों की संशोधित सूची में उनका नाम नहीं है। इस बार इसे विदेश मंत्री एस जयशंकर संबोधित करेंगे। बिहार में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार को सोशल मीडिया के जरिए घेरते हुए एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में पिछले दिनों की 100 से अधिक आपराधिक घटनाओं का विवरण देते हुए सरकार से जवाब मांगा गया। तेजस्वी यादव ने सरकार की नाकामी पर हमला बोलते हुए इसे लेकर गंभीर सवाल उठाए। राजस्थान रॉयल्स ने शुक्रवार को राहुल द्रविड़ को अपना नया मुख्य कोच नियुक्त किया। द्रविड़ IPL 2025 के मेगा नीलामी के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिए हैं और टीम प्रबंधन के साथ गहन चर्चा में हैं। उनकी नियुक्ति के बाद से राजस्थान की रणनीतिक योजना में तेजी देखी जा रही है। दिल्ली की अदालत ने जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव को मामूली राहत देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में समन जारी करने पर आदेश टाल दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। अदालत ने संबंधित आदेश पर अगली तारीख तक फैसला सुरक्षित रखा। नई दिल्ली में शनिवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर कहा कि इस यात्रा ने यह सिद्ध किया है कि भारतीय स्वाभाविक रूप से प्रेम करने वाले लोग हैं। बिहार के वैशाली में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा 2007 में शिलान्यास किए गए CPET के शिलापट का गलत इस्तेमाल किया गया, जिसे गटर के मेनहोल को ढकने के लिए उपयोग किया गया। जब चिराग पासवान को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भारत ने 5G स्मार्टफोन निर्माण में अमेरिका को पछाड़ते हुए दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब अमेरिका से ज़्यादा 5G स्मार्टफोन बना रहा है। ये सफलता भारतीय तकनीकी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने राजनीति में परिवादवाद को लेकर नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने BJP के डिप्टी CM सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा और कहा कि जब BJP को कोई नेता बिहार में नहीं मिला तो उन्होंने सम्राट चौधरी की ताजपोशी कर दी। सम्राट चौधरी भी परिवादवाद की उपज है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 9 से 10 सितंबर को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। इस यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और 10 सितंबर को मुंबई में एक बिजनेस फोरम में भी भाग लेंगे। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने नया राजनीतिक फॉर्मूला पेश किया, जिसमें MYK का नारा शामिल है। लालू यादव के माई समकरण की विफलता के बाद ये नया फॉर्मूला BJP और RJD के खिलाफ उनकी रणनीति का हिस्सा है। तेजस्वी का दावा है कि ये रणनीति उन्हें नीतीश कुमार को सिसकप देने में मददगार साबित होगी। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर में जल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य जो है तेजी से पूरा हो रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रामीण घरों में 50% से अधिक नल से जल पहुंचाने की उपलब्धि प्राप्त की है। बजरंग पुनिया ने ब्रजभूषण शरण सिंह की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका देश के प्रति रवैया पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। पुनिया ने आरोप लगाया कि ब्रजभूषण ने विनेश फोगाट का पदक न मानकर 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान को ठेस पहुंचाया है। भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS रजा सुब्रमणि ने चेन्नई में OTA के पासिंग आउट परेड के दौरान कहा कि भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन दोनों सीमाओं पर पूरी तरह से मजबूत और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।
बिहार के सीनियर आईपीएस अधिकारी नैयर हसनैन खां केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं और उन्हें सशस्त्र बीमा बल का आईजी नियुक्त किया गया है। इससे पहले बिहार के डीजीपी रजविंदर सिंह भट्टी भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे। पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान क्रिकेट की खराब स्थिति के लिए पीसीबी और टीम की नीतियों को दोषी ठहराया। उन्होंने सुझाव दिया कि सुधार के लिए गौतम गंभीर जैसे कड़े फैसले लेने वाले कोच की जरूरत है। कनेरिया ने गंभीर रवैये और उनके कोचिंग स्टाइल की भी तारीफ की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके नाम पर गरीबों को परेशान किया जा रहा है। माझी ने आरोप लगाया कि कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी रविवार को चीन के हुलोन बुइर में मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस पर शुरू होगी। भारत जो पिछले साल चैंपियन रहा था, इसमें खिताब बचाने के लिए प्रमुख दावेदार है, जबकि मेजबान चीन, जापान, पाकिस्तान, कोरिया और मलेशिया भी जोरदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह इस साल भी टीम के दबदबे को बनाए रखने के लिए उत्सुक हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना के खाजेकला घाट की दलित बस्ती में सदस्यता अभियान के दौरान हजारों अनुसूचित जाति के परिवारों को भाजपा में शामिल किया। नड्डा ने बीजेपी को जाति, परिवार और समुदाय के सीमाओं से परे एक पार्टी बताया है। युवराज सिंह के पिता युवराज सिंह ने हाल ही में अर्जुन तेंदुलकर को कोयला करार दिया, जिससे विवाद उठ गया है। इससे पहले भी उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा था कि वे धोनी को कभी भी माफ नहीं करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सीआरओ ने हमला कर कई लोगों को लहलुहान कर दिया है, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शिकार बन रहे हैं। रात के समय अचानक हमलों के चलते गाँव वालों की नींद उड़ गई है और इस गाँव के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। मेटा ने सुझाव दिया है कि मोबाइल फोन रिटेलर्स को बच्चों के लोकप्रिय ऐप्स डाउनलोड करने के लिए माता पिता की अनुमति लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई ई सेफ्टी कमिश्नर के निर्देशों के तहत एप्पल ने मेटा की आलोचना करते हुए कहा कि मेटा अपनी ऑनलाइन सुरक्षा जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा है। बाज के ऑडिटर वीडियो ग्लोबल ने कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के बाद आवश्यक दस्तावेज न मिलने के कारण अपना इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी शनिवार को बाज द्वारा दी गई। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो फ्लाइट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो 5 सितंबर का बताया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को 1 घंटे तक बिना एसी के रखा गया, जिसके बाद यात्रियों ने जमकर बवाल काटा। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के निर्यात में खाड़ी देशों के प्रति उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें कुवैत को निर्यात 2.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस वृद्धि ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पहली सूची जारी की, जिसमें रेवाड़ी सीट से चिरंजीव राव को प्रत्याशी बनाया गया है। चिरंजीव राव, जो 2019 में इस सीट से विधायक भी रह चुके हैं, उनका मुकाबला बीजेपी के लक्ष्मण सिंह यादव से होगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है, जिसमें ई इंश्योरेंस पॉलिसियों के डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम सेटलमेंट की समय सीमा और पॉलिसी धारकों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में दायर अपने नवीनतम पूरक आरोप पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस नीति के निर्माण और उसके क्रियान्वयन से जुड़ी आपराधिक साजिश में शुरुआत से ही शामिल थे। मार्गन स्टेनली के एमएससीआई उभरते बाजार निवेश योग्य सूचकांक में सितंबर 2024 के दौरान भारत ने भारित मूल्य के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। सूत्रों ने ये जानकारी देते हुए कहा कि एमएससीआई ईएमआईएमआई में भारत का वेटेज चीन के 21.58% की तुलना में 22.27% रहा। आज के लिए बस इतना ही। कल जिन लोगों ने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया था, उनके नाम हैं नौसाद राजा, मोहम्मद साकिर हुसैन, विकास कुमार, संजीव कुमार, धनंजय कुमार, राम बाबू दास, बाबूलाल मरांडी, रवि शंकर, राहुल बौद्ध, विजय राज। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर दें।